শাল চহিয়া বস্কানি চমরিন কিতিংগ্রি থিরং বজলক চমরি আওয়াই তমনি অমাহাকিন তিনি ক্রাসাবা জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত চমরি এস টি আশোক থায় চিহ্ন ওয়াট বাজানি তিব্রামতনি সভাপতি দেবর মন গবাং বলবে কেবলাই খাইনানি বাকি বুবাগ্রা শাক পঞ্চায়েত লগুতম পান্ডারি বিশিংতে চমরি আওয়াই মংখলাইকা জিরানিয়ানি বিনা পানির নকলাওয়া कैंडिडेट सुकुपति देवर्मा सबको क्या देख रहे हैं आप लोग बुबाग्रा को सुन रहे हैं कि नहीं हाँ कि नहीं आज बिना पानी में बिना पानी के बारे एक चीज हमको बोलना पड़ेगा जब एबीसी काउंसिल इलेक्शन हम लोग जीता था तो बिना पानी से एक ग्रुप आया कुमुलुंग में और हमको बोला बुबाग्रा आप बिना पानी को एबीसी के अंदर करो हम लोग का साथ अन्याय हो रहा है बिना पानी में हम लोग को भी एबीसी में आना है। उस समय मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा लेकिन जब ये काउंसिल इलेक्शन अनाउंस हुआ म्यूनिसिपल का तो मैंने अपना TWF YTF और अपना MPC को बोला कि 70 साल से इस एरिया में कोई अंचुलिक पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा है। 70 साल से अपना तिप्रासा तिप्राजक लोग को हमेशा CPM कांग्रेस BJP तृणमूल में वोट करना पड़ा। तो 70 साल में पहला बार एक आंचलिक पार्टी बिना पानी से लड़ रहा है यह प्रमाण है। टिप्रामोथा हमारा 6-6 टिप्रासा को गोली मारा गया CAB के तहत यहां में CRPS ने गोली मारा था पुलिस से TSR ने। तो किसी ने पूछा वो देबर्मा था जमातिया था काइपेंग था मोलसोम था रांगखोल था ब्रू था नहीं बुकुंबारा देख के मारा हम लोग को। इसके लिए बुबाग्रा आपको बोल रहा है ये थानसा रखो थानसा ओंगदी एक साल बाकी है सिर्फ एक साल। 70 साल से अत्याचार हुआ है 70 साल से एक साल बाकी है सिर्फ एक साल। अगर हमने थानसा रखा सिर्फ एक साल तो आपको आपका सपना तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड मिल सकता है। ये लोग लॉलीपॉप देगा लॉलीपॉप नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिप्रासा हो गए ये लॉलीपॉप है नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिप्रासा हो गए। यही लॉलीपॉप मेरा पिताजी को दिया अपनी MP हो गए मां को दिया MP हो जा दशरथ देव वर्मा दशरथ को बोला नेक्स्ट मुख्यमंत्री दशरथ हो गए हमको आज लॉलीपॉप दे रहा है अपनी हमारे संग जोट करें अपनी MP हो जाए अपनी मंत्री हो जाए। प्रद्युत मानिक को मंत्री MP बना के तिप्रासा को कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना लिए अपना फायदा के लिए अपना स्वार्थ के लिए अपना तिप्रासा को नहीं बेचेगा। मुझे ना मुख्यमंत्री बनना है ना MP बनना है ना MLA ना मंत्री मुझे सिर्फ ग्रेटर तिप्रालैंड चाहिए। उस ग्रेटर तिप्रालैंड में बिना पानी भी होना चाहिए। आप लोग सोच लो 25 तारीख को वोटिंग के बाद वर्डिक्ट आएगा हम लोग का सिंबल क्या है अनारस। कोई बोलता है चाइना का है
कोई बोलता है पश्चिम बंगाल का है, कोई बोलता है जितना मन पैसा नहीं है, इतना रान नहीं है हम लोग का पॉकेट में, बुबागरा हो सकता है लेकिन बीजेपी जितना प्राण नहीं है। सीपीएम 25 साल तक शासन किया, उनका जितना पावर नहीं है। कांग्रेस 70 साल से 60 साल तक दिल्ली में शासन किया, इतना पावर नहीं है। लेकिन तीपरा मोथा यहां में पूरा 3-4 पार्टी को अपना पावर दिखा सकता है बिना पानी। ये चिप्रासा है जो हमारा भाषण सुन रहा है, सुन लो, बिना पानी से चिप्रा मथा जीतेगा। ये सब नेता लोग, ये सब नेता लोग आपका वोट लेता है। अगर तला में थोड़ा आवाज ज्यादा करो भाई, सुनाई नहीं दे रहा है, बीजेपी का ऑफिस जाना चाहिए ये आवाज। हेलो, अरे आवाज सुनाई दे रहा है, ये आवाज बीजेपी का ऑफिस तक जाना चाहिए। दोनों माइक दे, दोनों माइक दे। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? ये जो नेता लोग हैं, आपका वोट लेता है, 70 साल से आपका वोट लिया, यहां बिना पानी में आपको क्या मिला है? नेता लोग के पास आज बंगला है, गाड़ी है, उनका चला उनका बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है, लेकिन अपना तिपरासा लोगों को बोलता है कि बांग्ला मीडियम स्कूल में जाओ, हमको कॉर्पोरेट रोमन स्क्रिप्ट में सुनना पढ़ना है, लेकिन बोलता ना आपने अंग्रेजी एजुकेशन पावे ना। ये नेता लोग आपका वोट लेता है, लेकिन अगर तला में बंगला में रहता है और हमारा तिपरासा ऐसा ही रहता है यहां। ये नेता लोग 5 साल पहले आपका जैसा यही में रहता था, आज अगर तुम लोग सोच लो 25 तारीख को वोटिंग के बाद वर्डिक्ट आएगा, हम लोग का सिंबल क्या है? अनारस। कोई बोलता है चाइना का है, कोई बोलता है पश्चिम बंगाल का है, कोई बोलता है दिल्ली का अनारस है, हम आपको बोल रहे हैं पिपरा मोथा का अनारस 100% पिपरा सा अनारस है। छोटा है लेकिन मीठा है, छोटा है लेकिन बुकुम्बरा का अनारस है। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? हाँ तो जाओ। मियां साहब सलाम अलैकुम, आप वोट करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। 25 तारीख को एक मैसेज पूरा इस एरिया में जाना चाहिए कि एक अनचुनिक पार्टी भी म्यूनिसिपल इलेक्शन जीत सकता है, एक मैसेज जाना चाहिए। यहां में हमारा बुरी बदल है, हम आपको अनुरोध करता है कि हमारा ग्रेटर पिपरा लैंड में हम लोग का जितना भी यहां में बरोक है, हम लोग का जितना भी सिकला है, हम लोग का बुरुई लोगों का, हम लोग का बुमा लोगों को इज्जत करो। अगर बुरुई बुमा को आगे नहीं रखा तो कोई भी दफा आगे नहीं चलेगा, इज्जत करो। इज्जत का यह मतलब नहीं होता है कि सिर्फ घर में बैठ के रिंग नहीं बनाए, इनको शिक्षा चाहिए, इनको चाकरी चाहिए,
इनका मदद इज्जत इज्जत करना सीखो हमारा बुरोई बुमा लोगों का। हम लोग का सेकला YTF आप लोग को डराने के लिए बहुत लीडर लोग आएगा, पैसा बांटेगा आपको, वो रंग बांटेगा आपको इलेक्शन के पहले, हमारे वोट करें रंग बांटेगा, वो पैसा जो बांटेगा ना आप रख लो, वो पैसा उनका मां बाप का नहीं है, वो आपका पैसा है, रखो सच में। वो पैसा से थोड़ा सा गुदोक खाओ, मोस्टेंग खाओ, भांगोई खाओ। ये हमारा कैंडिडेट है, ये नेता नहीं है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये आपका बहन है, आपका किसी का मां है, किसी का बेटी है। ये नेतागिरी करने नहीं आया है, राजनीति करने नहीं आया है, बुबागरा भी राजनीति करने नहीं आया है, काजनीति करने आया है। यहां में हमारे मुसलमान हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये त्रिपुरा का महाराजा ने आज से 500 साल पहले एक मुसलमान साहबजादे के लिए, शुजा के लिए मस्जिद बनाया, ये त्रिपुरा का महाराजा ने किया। आज भी नुयुम्मा में उज्जैनता पैलेस में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है, ये है हमारा कल्चर। हमने कभी जाति का और धर्म में किसी का बंटवारा नहीं किया। आज जो पार्टी आपका दाढ़ी देके बोलता है पाकिस्तान जाओ, वो एक दिन उनको हम शिकस्त करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीति में धर्म का कोई जगह नहीं है। सीए हुआ, जब सीए हुआ कौन था जमीन में? मैं था। मानिक बाबू कहां था? कांग्रेस पार्टी कहां था? जब कोई मुसलमान के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले मैं आया। इस बार मानिक बाबू चुप था, तृणमूल चुप था, कांग्रेस भी चुप था। क्यों? ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स करता है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स। लेकिन त्रिपुरा में आज आपके बारे कोई परवाह नहीं करता, तिप्रा साहब बुकुंबारा के बारे कोई परवाह नहीं करता। एक हो जाओ, और जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं जवाब आप भी दे सकते हैं। त्रिपुरा में मुसलमान और तिप्रा साहब के बीच में आज तक दंगा दे वर्मा, द्रव कुमार रियांग, क्यूजेस ने कोई भी नेशनल पार्टी के संग जोट नहीं किया, अकेला लड़ा क्यूजेस 1977 में। और क्योंकि अकेला लड़ा तो क्यूजेस को एडीसी 1983 में मिला, क्योंकि जोट नहीं किया था। 2023 में तिप्रा मोथा जोट नहीं करेगा कोई भी नेशनल पार्टी के साथ। और जब तिप्रा मोथा पावर में आएगा 20 से 25 सीट लेकर, हम लोग ग्रेटर तिप्रा लैंड का दावी रखेगा। ये पोस्ट, ये वीआईपी कल्चर पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये हां आपका है, ये जमीन आपका है, और ये जमीन के लिए बुबागरा आपको सिर्फ एक अनुरोध करता है। 1 साल बाकी है, ये लोग हम लोग का थानसा तोड़ने का कोशिश करेगा,
बहुत जगह में बोलेगा जमतिया देव वर्मा रियान चौहे कलय मौसम त्रिपुरा चकमा मग काइपेन ऐसा करके हम लोग का थानसाप तोड़ता है। आप लोग सोचो जब विश्वजीत देव वर्मा को मारा गया, जब पिंडूलाल चकमा को मारा गया, जब मंत्रीलाल काइपेन को मारा गया, जब यहां में हमारा छे पिपरासा को गोली मारा गया सीएबी के तहत, यहां में सीआरपीएफ ने गोली मारा था पुलिस से टीएसआर ने, तो किसी ने पूछा वो देव वर्मा था, जमतिया था, काइपेंग था, मोलसोम था, रांगखोल था, ब्लू था? नहीं, बुकुंबारा देख के मारा हम लोग को। इसके लिए दुबागरा आपको बोल रहा है, ये थानसा रखो, थानसा औंधी, एक साल बाकी है, सिर्फ एक साल। 70 साल से अत्याचार हुआ है, 70 साल से, एक साल बाकी है, सिर्फ एक साल। अगर हमने थानसा रखा सिर्फ एक साल, तो आपको जाओ वो एक दिन उनको हम शिकस्त करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीति में धर्म का कोई जगह नहीं है। सीए हुआ, जब सीए हुआ कौन था जमीन में? मैं था। मानिक बाबू कहां था? कांग्रेस पार्टी कहां था? जब कोई मुसलमान के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले मैं आया। इस बार मानिक बाबू चुप था, तृणमूल चुप था, कांग्रेस भी चुप था। क्यों? ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स करता है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स। लेकिन त्रिपुरा में आज आपके बारे कोई परवाह नहीं करता, तिप्रसा बुकुंबारा के बारे कोई परवाह नहीं करता। एक हो जाओ, और जो पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं जवाब आप भी दे सकते हैं। त्रिपुरा में मुसलमान और तिप्रसा के बीच में आज तक दंगा नहीं हुआ है, ये हमारा इतिहास है। हम लोग का तिप्रसा लोग, आपको चीनी हाथ चीनी शासन चाहिए कि नहीं? ग्रेटर तिप्रलान चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गारंटी मैं देता हूं, 1977 में नागेंद्र बाबू, रवि मोहन जमतिया, हरिनाथ देव वर्मा, द्रव कुमार रियांग, क्यूजेस ने कोई भी नेशनल पार्टी के संग जोट नहीं किया, अकेला लड़ा क्यूजेस 1977 में। और क्योंकि अकेला लड़ा तो क्यूजेस को एडीसी 1983 में मिला, क्योंकि जोट नहीं किया था। 2023 में तिप्रा मोथा जोट नहीं करेगा कोई भी नेशनल पार्टी के साथ। और जब तिप्रा मोथा पावर में आएगा 20 से 25 सीट लेकर, हम लोग ग्रेटर तिप्रा लैंड का दावी रखेगा। ये पद तिप्रा में बिना पानी में अगरतला में अंबासा में तिप्रा मोथा फाइट कर रहा है। और हम लोग जब जाता है ग्राम ग्राम गामी गामी, हेलो खत्म बार दे बा, ये माइक वाला कौन है? बीजेपी का है क्या? भारत माता की जय, या लाल सलाम भी हो सकता है। ये जो तिप्रा मोथा आज यहां में है, विजय रांगखोल ने बोला हमारा प्रेसिडेंट,
हमने कभी नहीं देखा कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन बुद्धिस्ट है। आज त्रिपुरा में ये नेता लोग, ये लोग काम के बारे में बात नहीं करता है, झूठ बोलता है। त्रिपुरा मोथा कभी झूठ नहीं बोलता है। हमने कभी नहीं बोला मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे, हमने कभी नहीं बोला। हमने कभी नहीं बोला रहेगा 340 टका, हमने ये झूठ नहीं बोला। हमने कभी नहीं बोला 7-7 पे कमीशन, ये लोग ने बोला है। और हमने सिर्फ एक बात बोला है, हमने बोला है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लेकर आएगा। और जितना रुपया बांटना है बांट दो, इंडिया में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो प्रौद्योगिकी मान्यता कर सकता है। त्रिपुरा लैंड तो लेके रहेगा। आज बिना पानी में लड़ रहा है, अगरतला में लड़ रहा है। 2023 में गणेश सुन लो, तेलियामुरा में लड़ूंगा, मजेशपुर में लड़ूंगा, कल्याणपुर में लड़ूंगा, माता बागी धनपुर, सुलमा, पानी सागर, पूरा 30-35 सीट में किसानों का फाइट करेगा। बहुत लोग बोलेगा आपने जीत पे ना, आपने जीत तो पड़े ना। ये लोग बोला था जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में रिजाइन किया तो क्या बोला ना, अपनी कांग्रेस से प्रेसिडेंट आछे, अपनी रिजाइन कर ले, रेजिग्नेशन दिले अपना। सच में वो पैसा से थोड़ा सा गुदौक खाओ, मस्टैंग खाओ, भांगोई खाओ, बच्चा को स्कूल में भेजो, वो पैसा रखो, जब वो आएगा पैसा देने ना मत बोलो, लो वो आपका पैसा है। ये जो पैसा वो लोग अपना पॉकेट से नहीं दे रहा है, आपका पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर से खाके, बिजनेसमैन से रुपया खाके आपको बांट रहा है, वो सब इकट्ठा करके आपका पैसा है, लो। लेकिन जब वोटिंग होगा तो वोट कौन से को करना है, त्रिपुरा मोथा का नरस को करना है। रंग लो, रंग रखो, वोटिंग हमारा कैंडिडेट को करो। और 25 तारीख को रिजल्ट आने के बाद बुबाग्रा बिना पानी फिर से आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर हम बिना पानी जीत गया ना तो ये पूरा एरिया में हम लोग एमएलए कैंडिडेट भी देगा। बेलाय बेलाय में हम आए, सब लोग खड़ा होके एक बार मेरे साथ बोलो, त्रिपुरा सा आई क्लॉक थम, ठीक है, त्रिपुरा सा, त्रिपुरा सा। अच्छा पहले कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ गुरु ही बोलेगा, उसके बाद बरोक लोग बोलेगा, ठीक है, सिर्फ गुरु ही। त्रिपुरा सा क्या हो गया गुरु, आज थोड़ा पावर कर दिया। हम लोग का बोरक लोग प्रेशर में है अभी, बोरक लोग सिर्फ, हाँ सिर्फ बोरक लोग, बुरे नहीं बोलेगा। त्रिपुरा सा, आपका तो मुच्छी नहीं है, सिर्फ बोरक लोग, त्रिपुरा सा। आप दोनों मिला के हमसा होके इतना जोर से बोलो कि वहां का जो ऑफिस है वो भी सुन ले, ठीक है, तीन बार जोर से।